हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है यार, जेई एडवांस के कैंडिडेट्स के लिए और उनके लिए भी जो जेई मेंस में अपियर किए हैं। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो करके पूछ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपने अभी तक सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 2000 सब्सक्राइबर हम बहुत जल्दी ही टच करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके। जैसे कि आपको पता ही है, जेई एडवांस का पेपर होने वाला है कल 27 सितंबर को। 9 to 12 फर्स्ट पेपर होगा और 2:30 to 5:30 होगा सेकेंड पेपर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जेई एडवांस के साइट में भी आई है और कुछ रिपोर्ट्स निकल के भी आई है, तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज यार, जेई एडवांस में निकला है कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रिकॉशंस जो आपको करने हैं सेंटर में। इससे आप वैसे ही नॉलेज होगा, क्योंकि आपने जेई मेंस में अपियर किया है तो आपको करना क्या होता है ये सब आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो जेई एडवांस ने रिलीज किया है। वही आपको रिगार्डिंग सैनिटाइजर और मास्क और अपनी खुद की वाटर बॉटल से रिलेटेड है, जहाँ को खुद का मास्क पहन के जाना है, खुद की एक सैनिटाइजर की बॉटल लेके जानी है और वाटर बॉटल लेके जानी जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते ही हैं, कैसे आपको जो ड्रेस कोड है वो सब फॉलो करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है यार। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजें यार मिस कर देते हैं। सिर्फ आपको 10 मिनट देना है और आप उस एडमिट कार्ड में दिए गए अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस को एक बार कंप्लीटली रीड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने थंबनेल में भी देखी होगी, वो है रिगार्डिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यार, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके शायद फर्स्ट ही पेज में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको ड्यूली फिल करना है, साइन करना है, तभी आपको वहां पे अंदर एंट्री मिलेगी। दिस इज रिगार्डिंग द कोरोना वायरस कि आप जो प्रिकॉशंस लिए हैं कि नहीं, आपने किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव के पेशेंट के टच में तो नहीं आए हो या आप किसी क्वारंटीन से तो नहीं आ रहे हो। तो ऐसे इसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि इंस्टाग्राम में डीएम करके कि भैया साइन किस टाइप से करना है, डेट कैसे डालनी है। तो जस्ट आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, फिल करना है। अगर पेरेंट्स का भी साइन बोला है तो वो भी करवाना है, आई डोंट नो, अगर नहीं बोला है तो आपको ही करना है और आज की डेट के साथ आपको वो साइन करना है, ठीक है। तो ये पहली चीज, सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छे से पढ़ना है और मैं तो बोल रहा हूँ एडमिट कार्ड के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार आप पढ़ लीजिए। और यार, जो जेई एडवांस का जो साइट है वहां पे कुछ एक एडवाइजरी रिलीज हुई है वो भी आप पढ़ लीजिए, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट अभी दिखाया और एक छोटी सी वीडियो है YouTube पे डाली है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको एडवांस के साइट पे मिल जाएगी। तो यार, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छे से भरना है, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कई लोग स्टूडेंट्स भी मिस कर जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है कि सर्टिफिकेट्स अपलोड को लेकर। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा अपलोडिंग ऑफ सर्टिफिकेट, तो यार अभी तक क्या था कि आपको एडवांस की साइट में ही सर्टिफिकेट अपलोड करना था, पर इस बार अभी अभी वहां पे एक नोटिस आई है कि आप जो है अपने सर्टिफिकेट्स जोसा के रिपोर्टिंग टाइम तक कर सकते हैं। तो जैसे जिनके स्टूडेंट्स हैं, जिनके जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सर्टिफिकेट्स अभी तक रेडी नहीं हुए, सपोज उन्होंने जनरल EWS या कुछ भी OBC सेलेक्ट किया लेकिन उनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि भैया लास्ट ईयर का अभी तो बन नहीं पाया है। तो अगर आपका अभी तक बना नहीं है तो यू स्टिल हैव द टाइम। तो अभी जैसे कि आपको राउंड जब मिलेगी सीट, राउंड वन मान लीजिए, तो 11-12 अक्टूबर तक का टाइम है, तो तब तक आप अपना सर्टिफिकेट आराम से बनवा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे कि हमारा सर्टिफिकेट तो रेडी नहीं है, लास्ट ईयर का डाल देंगे क्या, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट अब आप नया बनवा सकते हैं और जोसा में जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी और तब जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आएगा तब वहां पे एक सर्टिफिकेट अपलोड का भी लिंक आ जाएगा, तब आप वहां पे भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वाला। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं सोचा मैं आपको बता दूं। पहला, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अच्छे से भरना है और फिर अपीयर होना है जेई एडवांस में। और हाँ, जेई एडवांस में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और जो पहले से माइंडसेट बना के चलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो मेरी लास्ट वीडियो देखो यार, लास्ट टू लास्ट शायद जेई एडवांस की, जिसकी मैंने बताया था कि ये 3 गलती बिल्कुल मत करना। तो आप ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी मत बनाओ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं तो क्या है, आप वैसे ही रह जाओगे। तो आप अगर एक अच्छे माइंडसेट से जाते हो तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा बन सकता है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना और साइन कर लेना,
और एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेना, और अब सर्टिफिकेट आप जोसा पे भी अपलोड कर पाओगे, तो सर्टिफिकेट्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो यार इतना था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और कुछ डाउट हो उसको पूछने के लिए मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।